हेलो दोस्तों, मैं सनी आज फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास रहने वाली है, क्योंकि मैं आपको आज की वीडियो में दिखाऊंगा कि आप अपने घर पर खुद से अपने आप टैप को कैसे ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे आप ये देख सकते हैं, ये ब्रास की टूटी है, ये टपक रही है। वैसे तो काम ठीक करती है, पर इसका सारा दिन पानी इसी तरह टपकता रहता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में इसे नाम मात्र खर्चे में से ठीक करके दिखाऊंगा। दोस्तों, ये ब्रास की टूटी है। अगर आपके घर में लोहे की टूटी लगी हुई है, जैसे कि ये, इन दोनों का काम करने का तरीका और रिपेयर करने का तरीका दोनों का सेम होता है। तो दोस्तों, आप ये जिस तरीके से ये ठीक होगी, रिपेयर होगी ये टैप, उसी तरीके से ये टैप भी रिपेयर होगी। तो चलिए मैं आपको इसे दिखाता हूँ, इसे कैसे ठीक करते हैं। दोस्तों, इस टैप को रिपेयर करने के लिए एक या दो टूल की जरूरत होती है, जो कि हमारे घरों में नॉर्मली ही मिल जाते हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, मेरे पीछे ये पाइप रेंच है, और एक ये प्लास और एक ये पेचकस। दोस्तों, प्लास और पेचकस तो नॉर्मल हमारे घरों में होता ही है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इस टैप को कैसे रिपेयर करेंगे। दोस्तों, टैप को रिपेयर करने के लिए इस टैप को खोलना पड़ेगा। तो सबसे पहले टंकी का पानी बंद कर दें। दोस्तों, सबसे पहले हमें इसके ऊपर वाली कैप उतारनी है। इस कैप के अंदर यहाँ पर एक पेच होता है, अभी पेच खोलना है। पेच खोलने के बाद इस हैंडल को ऐसे हिला के धीरे धीरे निकाल लेना है। उसके बाद हमें ये कवर खोलना है इसका। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये इसका स्पिंडल है। अब हमें इस स्पिंडल को खोल लेना है यहाँ से। दोस्तों, आप ये देख सकते हैं डिस्क वाला स्पिंडल है। तो जो प्रॉब्लम है वो देखिए यहाँ पे दिख रही है। जैसे ये देखिए, इसके अंदर हल्का सा स्पेस आ गया, ये घस गई है। अगर हम यहीं से पानी की लीकेज होती है, ये देखिए पानी ओपन है, अब ये पानी बंद है, पर बंद नहीं है, यहाँ से पानी निकल के टूंटी में लीकेज होती है। तो दोस्तों, अब हमें ये मार्केट से नवा लेके आना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों ये डिस्क वाले स्पिंडल रिपेयरेबल नहीं होते। जो लोहे की टैप होती है, इसके अंदर भी सेम यही स्पिंडल होता है। आप ये देख सकते हैं, मैं इसे भी आपको खोल के दिखाऊंगा। ये देखिए, इसके अंदर भी ये डिस्क वाला ही स्पिंडल है, जो कि ये भी ख़राब हो चुका है। दोनों ही टैप का रिपेयर करने का प्रोसीजर सेम है, चाहे वो ब्रास की हो चाहे वो लोहे की हो। दोस्तों, आप ये देख सकते हैं, ये डिस्क स्पिंडल मैं मार्केट से ले आया हूँ, ये सिर्फ 40 रुपये में आया है। इस टैप के अंदर सिर्फ काम करने का जो पानी का तरीका है, रोकने का और चलाने का, सिर्फ यही होता है। तो ये मैंने पूरे का पूरा 40 रुपये के अंदर ये बदल दिया है। तो इसलिए ये हमारी टैप भी अब नए तरीके से काम करेगी। तो दोस्तों, अब मैंने ये टैप खोली है, तो इसे लगाने के लिए मैं ये टेप भी लेके आया हूँ, टेफ्लॉन टेप बोलते हैं जिसे। तो दोस्तों, कुल मिलाकर हमारा जो खर्च हुआ है सिर्फ 50 रुपये, और ये जो नई टैप है ये लगभग 350 से 400 रुपये के अंदर मार्केट में मिलती है। चलिए दोस्तों, इस स्पिंडल को इसके अंदर फिट करके इस टैप को दोबारा लगाते हैं। तो दोस्तों, ये हमारी टैप फिट हो चुकी है। अब हम टंकी का पानी दोबारा से चालू करेंगे। दोस्तों, हमने टंकी का पानी चालू कर दिया। आप ये देख सकते हैं, ये पानी की लीकेज हमारी बिल्कुल भी नहीं है। हमारा पानी बंद हो चुका है, जो पानी टपकता था वो बंद हो चुका है। तो दोस्तों,
मैं आपको बता दूं, ये टैप को ठीक करने का बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है। इसमें आपको किसी भी प्लम्बर या किसी भी कारीगर को बुलाने की जरूरत नहीं है। आप अपने आप घर पे, सिर्फ आपके पास एक पाइप रेंच प्लस और एक पेचकस होना चाहिए, आप अपने आप घर पे ठीक कर सकते हैं। दोस्तों एक सबसे जरूरी बात ध्यान देने वाली, जब भी आपने कोई टैप रिपेयर करनी है, उसका मैकेनिज्म स्पिंडल खोलना है, तो आपने इस पुराने स्पिंडल को अपने साथ लेके जाना है दुकान पर, तो आपने वहां से बिल्कुल इसके साथ का खरीदना है, क्योंकि स्पिंडल कई स्पिंडल छोटे या बड़े भी होते हैं। दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी आप वीडियो को लाइक करें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। Till I get up, time is barely on our side.